अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत अनयूजुअल टाइप होगा। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग पे थोड़ा सा ना वर्कआउट वगैरह करूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे अपने तीसरे दोस्त से मिलने के लिए। तो वो दिखाने से पहले मुझे ये दिखाना होगा कि हम जा कैसे रहे थे। तो फिलहाल आप वो देखें। अगर तो आपने देख लिया हो और ये सिनेमैटिक अच्छा भी लगा हो तो लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि वाह भाई मज़ा आ गया ऐसे देख के। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता है कि सिनेमैटिक तो बहुत हो गया, लेकिन कोई काम की बात भी करो। तो काम की बात क्या है कि उसामा ने आपको देना है बहुत ज़रूरी पैगाम, तो आप वो सुने अभी। अस्सलाम वालेकुम। तो आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अनयूजुअल व्लॉग, और आप लोग ये सोचेंगे कि वाई आर वी आउट इन द क्वारंटीन। इट्स बिकॉज मेरा दोस्त है, उसको ना घर में सुकून नहीं है और मैं क्योंकि गाड़ी चला रहा था, कैमरा उसके हाथ में, तो मैं इससे रिलेटेड कोई भी बात करूँगा फ़ौरन कैमरा इधर से उधर चेंज कर देगा। तो हम लोगों को क्योंकि घर में सुकून नहीं है, बट विद प्रोटेक्शन हम दोनों बाहर निकले हुए हैं और हम दोनों जो है अपने तीसरे दोस्त से मिलने जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद के चौथे किनारे में रहता है। अच्छा, जिस दोस्त के घर पे हम जा रहे हैं ना, इसकी भी बहुत मज़े मज़े की कहानी है। वो कहानियाँ ये है कि ये बंदा रहता है हमारे घर से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर। हम इसको जब अपने घर से निकलते ना तब कॉल करते हैं कि जानी हम आ रहे हैं, तुम तैयारी पकड़ लो। और फिर जब इसके घर के करीब पहुंच जाते हैं हम इसको फिर एक कॉल करते हैं जो कि 10 मिनट दूर होता है, और फिर हम ये कहते हैं कि जानी हम पहुंचने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ। हम पहुंच गए, तुम नीचे आओ। हाँ, और जब हम इसके घर पे पहुंच जाते हैं ना, और उसके बावजूद उसको एक कॉल करनी पड़ती है कि जानी हम पहुँच चुके हैं, तुझे खुदा का वास्ता है, तू नीचे आ जा, तब भी ये बड़ी मुश्किलों से आता है। मेरा दोस्त है थोड़ा शर्मीला एंड ही डजंट वांट टू कम ऑन कैमरा। आई डोंट वांट टू यू नो इनवेड हिज प्राइवेसी। यार सीधा टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग क्यों अपने घर पे रह के हमने क्या सीखा आज तक। मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ सीखा। एक तो ये सीन है कि घर पे रह के घर के काम करना आ गया, जैसे कि मैं पहले खाना नहीं बनाता था। अब ये है कि मुझे वो एक चीज मैंने बनाई थी वो काफी मजे की बनी और मुझे अब एक आइडिया, पॉपअप आ जाएगा। अरे भाई, बटर चिकन मलाई मक्खन कढ़ाई ये मैंने बनाया, और वो भी किस में बनाया, मिट्टी के बर्तन में बनाया मैंने। सर्व उसमें किया था, बनाया था। अच्छा, मैंने दूसरे में था। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बना बहुत मजे का था, मैंने बहुत खिलाया था, बहुत मजे का था। तो ये सीन था, घर पे रह के मैं बोर बैठा था तो वो सीख लिया कि कैसे बनता है। नेट से, यूट्यूब से हर चीज वहाँ पे नजर आती है, हर चीज सीख सकते हैं। और अब आपकी दूसरी बात ये है कि मतलब आप क्या बनाना है अगली चीज, तवा चिकन कड़ा इधर आ गया, तवा चिकन, तवा चिकन इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। फिर दूसरी बात ये है कि घर में रह के आप ये सीखा, बल्कि सीखा क्या, ये एक अच्छी आदत है कि हमारी हर रोज एक आदत बनी होती थी बाहर जाके खाना खाना है, बाहर जाके खाना खाना है। घर पे रह के ये ठीक हो गया कि अब घर का खाओ आराम से, सुकून से, कोई मसले ही नहीं है। पहले हफ्ते में जहाँ 15-20 हज़ार रुपये लगते थे, अब वहाँ पे हफ्ते में मुश्किल से 3-4 हज़ार भी नहीं लगते। ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। वो अलग बात, जैद बहुत खर्च करता है बाहर के। यार मैं खैर ये वाली बातें ना करें। ये देखा भी इसका मास्क भी चढ़ा। तो खैर काफ़ी चीज़ें घर बैठ के सीखी हैं, घर वालों से गप्पे शप्पे मारी, वो तो पहले भी लगती थी, लेकिन अब घर वालों के साथ बैठ के खेला है, मतलब खाना बनाया है, हर जगह से इंटरेक्शन होती है, तो वो काफ़ी अच्छा रह गया। और अगर आपको ये उनों की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना, तो वो सामा वो बता सकता है, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत उनों खेल चुके हैं। यार उनों की टिप्स और ट्रिक्स ये हैं कि आप लोग
जैसे ही कार्ड शफल करते हैं उसमें से ड्रॉ फोर और उन्होंने कार्ड साइड पर रख लें वाइल्ड वाले, तो जैसे ही आपको कार्ड शफल मिक्स होते हैं ना, स्प्लिट होते हैं, तो उसमें अपना एक ड्रॉ फोर जो छिपाया हुआ था वो डाल लो, ये ट्रिक है जीतने की। बाकी ये सफ़र है हमारा लॉकडाउन में भी हम काफ़ी स्मूथ जा रहे हैं, और अभी तक हम अपने दोस्त को दो कॉल्स कर चुके हैं, तो अभी तक नहीं आएगा ये, हम इसके बैठा हुआ है, जगह बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, तुमने देखा नहीं इसको? ओरे वाह मौजा, इसने भी हाथ पकड़ लिया ज्यादा आज ब्लॉग बना रहा है, जो बात है साथ लेकर मैं भी भाई कुत्ता है। नहीं मिल रहा करने को तो कमरा साफ कर लो। हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 1 डेडली डेडली डेथ यार, तुम लोग बैठो यार। वाह इसकी, ओह सॉरी यार, अब प्लीज बैठो तुम लोग प्लीज। पेंटिंग ओए हमारा पेंटर, आर्ट एग्जीबिशन यार, मैं खरीदनी हो तो बताइएगा। गमले दोनों इसकी रखवाली करनी है। कौन सी पढ़ाई चल रही है जिसमें पूरा का पूरा रूम जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है? जान पढ़ाई ये चल रही है। कौन सी पढ़ाई? देखो मोनोपोली पढ़ी है। ये किसका सोचा है इसने? देख कैसे लगाया, वाओ यार, राइट डायरेक्ट लोग मार खाओगे। क्रिएटिविटी साथ में कर दोगे उसामा? सॉरी जिसको मैंने बैंकक्रप्ट कर दिया है। ओए ओए यार ये ना थोड़ा अभी वो कोई तरीका होता है, बंदा जो है वो दस्तरखान लाता है ये कि ऊपर रख देते हो। ऊपर रख रहा हूं, ऊपर रख दो ना तुम, क्या जमीन पे कौन रखता है यार? क्या क्या कोई बोतल ले भी लेता है यार, गाड़ी में बोतल दे, तुम क्यों नहीं ले रहा है? वो तुम्हारे अकेले के लिए थी, लेते आते। छोड़ो यार, चलो छोड़ो, ये क्या बना रहा है? वो वाली स्नैप लगाना जरा, वो जो अंकल जी की हम बातें सुन रहे थे। छोटा मोटा केचप है थोड़ा, ऐसा दिखा रहे पेश करे क्या? ये जरूरी छोटा केचप अब सस्ते दाम में। इसके ऊपर क्या मैं कैप्शन क्या दिखा, पिक्चर कैसी अच्छी अच्छी है यार, मैं हैरी पॉटर देख रहा था यार, तुम लोग मनुष्यों को आके हमेशा तुम लोग एकदम बोलते हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हर वक्त पढ़ाई नहीं होती ना। सैफ सैफ तुम उस प्लेट में खा लेना, आ जाओ समा हम इसमें खाते हैं। कमरा मैंने कर लिया है साफ, तो अचीवमेंट अनलॉक्ड, अम्मी इज हैप्पी। तीसरी चीज क्या है कि लोग
कल जब सैफ के घर पे थे तब हम लोगों ने खेली मोनोपोली। अब आई नो आप बोलोगे क्या बच्चों वाला गेम है, तो तुम जब पबजी मोबाइल खेल सकते हो और तुम साथ में लूडो स्टार खेल सकते हो, why not monopoly, I think it's a wonderful game। 4-1 1-2-3-4-1 रीडिंग रेल रोड बगैर 6 के स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कार्ड्स है ना, ये क्या है, ये कार्ड्स हैं, ये प्रॉपर्टी की फाइल्स हैं। सही है, तेरे पास निवल के 2 प्लॉट हैं ना और जो कश्मीर हाईवे पे प्लासे हैं F7 में उनका, उनके भी हैं, उनके भी इसी तरह की। अच्छा सही है, और G10 वाले भी उनके भी इसी में, और G13 में घर सबसे महंगा नेवल वाला है लेकिन फिर भी, और F11 वाले भी इसमें। अच्छा सरगोधा वाली फाइल। अच्छा चलो चलो पर्सनल नहीं हो, गेम खेल रहे हैं। कल रात हम 3 दोस्त फड्डा होते होते रह गया क्योंकि हमें ये नहीं पता चला कि कौन जीता और कौन हारा। आपको पता है दैट्स हाउ मोनोपोली वर्क्स। सेफ थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली इवनिंग एट योर प्लेस। पागल हो गए तुम सेफ, वैसे तो तू हार गया लेकिन चल सॉल्व। कोई नहीं सामा, ये पकड़ो 1 मिनट मोनोपोली। किसी से इंतजार है, चंदा नहीं है हमारे पास, खुले पैसे नहीं है। तुम नहीं जा क्यों नहीं रहे? ओके अल्लाह बाय बाय, इधर से मोड़ लेना इधर। सामा आपका दिन कैसा गुजरा? बेहतरीन। गेम कैसी थी यार? ऐसी वैसी। कौन जीता कौन था? ये पूछो हारा कौन कौन सैफ हारा था, तुम भी हार रहे थे। मैं आपको कंपटीशन दे रहा था, मैं आपको कंपटीशन दे रहा था। तुम्हारे पास एक भी होटल था? मेरे पास नहीं। नहीं ना, तो इसका मतलब ये कि मैं हार रहा था बिल्कुल। और जो मैं मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी, मेरे सबसे ज्यादा कैश थी। और आखिर में जो सबसे लास्ट चीज व्हिच मेड माय डे व्हिच एक्चुअली मेड माय नाइट वाज कोलैबोरेशन। फर्स्ट YouTube डांस निकल रहे हो तो करने, तो जज नहीं करो इस बात पे भाई को। हुआ कुछ दरअसल ऐसा, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा यू नो ऐसे फ्लेक्स भी करना है ना थोड़ा सा। तो कल हमारी हुई 11 बजे एक मीटिंग, ज़बरदस्त किस्म की। देखना चाह रहे हो तो हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हो कि स्टोरी किस चीज़ की लगी है। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्ट थैंक यू बोल देता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉयज ऑफ कुछ कहो टीवी, आई लव यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर अ पॉडकास्ट यस्टरडे नाइट। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अमेजिंग। तो अगर मतलब सुनना चाह रहे हो तो एक दो दिन इंतज़ार कर लो, और डिस्क्रिप्शन में ना कहो कुछ कहो टीवी का ना लिंक भी डाल देंगे ताकि तुम इतना सर्च वर्च नहीं करो, बस क्लिक करो और डायरेक्ट काम हो जाए तुम्हारा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड इट्स वेरी अनस्क्रिप्टेड अनप्लान्ड एंड वेरी कैजुअल एंड दैट्स हाउ वी रोल। अल्लाह हाफिज़।